जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मुबशर अवान, बैरिस्टर मुबशर अवान। मैं अभी प्रोटेस्ट के लिए जा रहा था, कैंट में घुसा हूँ और ये मुझे बिला वजह मेरी गाड़ी रोक लिया इन्होंने और मुझे कह रहे हैं कि आप झंडे नहीं लेके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो पूरी गौर से देखिएगा। ये शख्स जो है किस तरह फौज के जवानों के साथ उलझ गया और फौज के जवानों के एक्ट के ऊपर किस तरह कैसे बिहेवियर किया है, ब्रेव बिहेवियर मैं कहूँगा जिसको, क्योंकि ये इसका राइट है। अगर झंडे लेकर जाने की इजाज़त नहीं तो ये ऑर्डर्स का पूछ सकता है और ये लॉ है, और फौज भी आइन से और लॉ से गालिबन सुप्रीम नहीं है, और ये ख़ुद भी पाक फौज की हिमायत कर रहे हैं और हम भी करते हैं। लेकिन ये वीडियो आप मुकम्मल देखें जा सकते और आप वापस कर दें गाड़ी। क्यों हम वापस करें, क्यों हम इस मुल्क के शहरी नहीं है, किस वजह से हम वापस करें झंडे वाली गाड़ी? झंडा ये कोई इंडिया का झंडा है हमारे पास जिसकी वजह से हम वापस करें? और इनको कौन सा नोटिफिकेशन है जो इन्होंने ऊपर से मुझे बता रहे हैं कि ऑर्डर आया हुआ है इनको मुझे बताएं कौन सा ऑर्डर है आपके पास, दिखाएं मुझे, मैं देख लेता हूं ऑर्डर। क्यों मैं ऐसे करूं वापस, क्यों मैं करूं? ये वासिफ साहब हैं, ये साहब हैं, और ये मुझे बताएं, इनसे पूछा जाए कि कौन सा ऑर्डर है इनके पास जो इनको ऊपर से आया है। ऊपर से कौन है जो इनको ऑर्डर देने वाला है? ये पाकिस्तान का चीफ है या पाकिस्तान के मिनिस्टर है? कौन सा ऑर्डर है जो इनके पास है ऊपर से इनको आया? जो जो ऑर्डर आपने कहा था ऊपर से आया वो मुझे ऑर्डर दे रहा हूँ कि झंडे के साथ आप नहीं जा सकते। पार्टी को कॉल करेंगे फिर इधर आएगी बात। पार्टी मोहब्बत है, जनता भी है ना, हमें मोहब्बत है इससे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी मोहब्बत है हमारी नहीं है। आपको मोहब्बत होती तो एक महीना पहले ये ना होता पाकिस्तान में जो हुआ है। ये आपको कोई मोहब्बत नहीं है पाकिस्तान से भाई जान। आपको मोहब्बत होती आज वजीरे दफा जो उनका आज उसने बयान दिया अमेरिकन ने, उसने कहा कि पाकिस्तान में हमने दो हफ्ते पहले ये रिजीम चेंज किया ना, आप लोगों की वजह से हुआ। लोगों को रास्ता दे रहे, लोगों की रास्ता दे रहे, लोगों को रास्ता दे रहे। मैंने नहीं किया, मैंने आपको बताया। लेकिन यार ये जानबूझ के तंग कर रहे हैं, झंडा लेके नहीं जा सकते, हमारी जान बचती है। ये फौज हमारी जान है, लेकिन इनकी यार हाँ हम लोगों ने समझ ही नहीं है। एक गाली भी नहीं दी, जो गालियां देते हैं उनको ये नवाशी नवाशी बगैर आदमी ने इनको गालियां दी, सरेआम गालियां दी, उनके आगे के लेट गए, उनके आगे के लेटा जान के साथ चले। ये नवाज शरीफ ने इनको सरेआम गालियां दी, मरियम ने इनको सरेआम गालियां दी, ये इनके आगे गंदे आदमी के आगे के लेटे, उस बगैरत के आगे के लेटे।